राहुल वैद्य की माता जी ने बताई है वजह कि आखिर राहुल वैद्य और रुबीना दिलैक के बीच में इन दिनों लड़ाइयां क्यों नहीं हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरा यूजर नेम है RJ_IG। इसके अलावा आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या कहा राहुल वैद्य की माता जी ने। राहुल वैद्य की माता जी ने कहा कि आजकल रुबीना और राहुल इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वो जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है उसकी वजह से दोनों एक दूसरे को टारगेट करते नजर नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, विच इज फाइन, यानी कि ये ठीक है क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचें कि इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रुबीना और राहुल दो बहुत ही अलग नेचर के इंसान हैं। इनके नेचर पोल्स अपार्ट हैं। अगर रुबीना का नेचर साउथ पोल है तो राहुल वैद्य का नेचर नॉर्थ पोल है, और ये कभी नहीं मिल सकते हैं भाई। इस तरीके की बातें उन्होंने की हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि आगे चल के भी जहां भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, डिफरेंस ऑफ थॉट्स आएंगे, वहां इन दोनों की फिर से लड़ाई देखने को मिलेगी। ये कह रही हैं राहुल वैद्य की माता जी, यानी कि गीता वैद्य जी। अब देखते हैं क्या होता है, आखिर कब हमें रुबीना और राहुल के बीच में फिर से एक तगड़ी झड़प, तगड़ी लड़ाई होती दिखाई देगी, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते जो गुजर रहे हैं उसमें रुबीना और राहुल के बीच में कोई भी तकरार देखने को नहीं मिली है, जो कि इस शो की USP हुआ करती थी। इस शो की TRP के लिए बहुत बड़ा योगदान था रुबीना और राहुल की तकरार का, और वो अब दिखाई नहीं दे रही है। क्या ऐसे में रुबीना और राहुल खुद का नुकसान कर रहे हैं? देखिए बिग बॉस का तो कर ही रहे हैं क्योंकि TRP डाउन हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या आप भी देखना चाहते हैं एक बार फिर से वो करारी तकरार रुबीना और राहुल के बीच में? तो जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।